नीले नीले समंदर पर भारत के जाबाजों का दम देखना हो तो इंडियन नेवी के अमेरिकी नौसेना के साथ इस अभ्यास को देखिए। अमेरिका के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ भारत का ये संयुक्त युद्धाभ्यास चीन की नींद उड़ाने के लिए काफी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अमेरिका नेवी के साथ हुई इस ड्रिल के विजुअल्स की दुनिया भर में चर्चा है। भारतीय नौसेना अब खुद को इस तरह से तैयार कर रही है कि देश के बड़े से बड़े दुश्मन के भी दांत खट्टे कर दे। इसी कड़ी में नौसेना के बेड़े में अगले साल शामिल होने वाले हैं 4 घातक P-8I बोइंग। इंडियन नेवी हिंद महासागर क्षेत्र में निगरानी के लिए अमेरिका से 4 मल्टीमिशन P-8 सर्विलांस एयरक्राफ्ट मांगने जा रही है। इस सर्विलांस एयरक्राफ्ट को अमेरिकी कंपनी बोइंग बनाती है। इसके अलावा भारत के पास बोइंग से 6 और विमानों को खरीदने का भी विकल्प है। P-8A पाइजन को समुद्री गश्त के लिए डिजाइन किया गया है। यह एयरक्राफ्ट हार्पून ब्लॉक टू एयर लॉन्च मिसाइल की क्षमता और हल्के टॉरपीडो से लैस है। विमान को लंबी दूरी के एंटी सबमरीन वॉरफेयर, खुफिया निगरानी और टोही मिशन के लिए बनाया गया है। सेना ने चीन के साथ लद्दाख और डोकलाम गतिरोध के दौरान निगरानी के लिए इसी टोही विमान पर भरोसा जताया था। इस विमान की रेंज लगभग 2200 किलोमीटर है और ये 990 समुद्री मील या 789 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से उड़ान भर सकता है। लद्दाख में एलएसी पर चीन के साथ गतिरोध से काफी पहले नवंबर 2019 में रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा 6 P-8I की खरीद को मंजूरी दे दी गई थी। हिंद महासागर में चीनी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ये बेहद उपयोगी माना जा रहा है। विदेशी सैन्य बिक्री के तहत P-8I समुद्री सर्विलांस विमान की कीमत 225,000 करोड़ रुपए के आसपास हो सकती है। इस सौदे में 30% ऑफसेट क्लॉज अनिवार्य होगा, मतलब निर्माण का 30% काम भारतीय कंपनियां करेंगी। सौदे के तहत 10 P-8I समुद्री गश्ती विमान नौसेना बेड़े में शामिल किए जाएंगे और इसके बाद भारत के पास P-8I विमानों की कुल क्षमता 22 हो जाएगी, जो फिलहाल तो चीन की चालाकियों को चारों खाने चित करने के लिए काफी है।